हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मोहक इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 3B से क्लास 10 हरेश अग्रवाल की मैथ्स की बुक है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है फ्रेंड्स 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 7 माइनस 4x अपॉन 3 इज इक्वल टू y। इसे हमें सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इस तरह से नंबरिंग कर दी है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेंगे। क्या लिख सकते हैं 7 माइनस 4x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y। देन यहाँ पे हम ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इस फॉर्म में इसको अरेंज करें। मीन्स सबसे पहले x वाला टर्म y वाले टर्म को राइट लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, माइनस में हो जाएगा और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये क्या मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 3। इस तरह से फ्रेंड्स हमने रीअरेंज कर लिया है। नाउ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में ऐड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्लस 3y और माइनस 3y जब हम दोनों को ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग मिलेगा x वाला टर्म। यहाँ से हम इजीली x को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 1 एंड 3, 1 और इक्वेशन 3 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, सबसे पहले 2x प्लस 3y प्लस 1, इसमें हम इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है माइनस 4x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ऐड करेंगे प्लस माइनस 3y कैंसिल हो गया, प्लस 2x माइनस 4x माइनस का 2x मिल गया, 7 प्लस 1 8 हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स 2x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 दैट मीन्स 4। ये हो जाएगा फ्रेंड्स x का वैल्यू। इस तरह से हमने x को फाइंड कर लिया। अब ये x की वैल्यू फ्रेंड्स हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम इक्वेशन नंबर 1 में ही x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x को पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 इंटू 4 प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 4 क्या आ जाएगा 8 प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 प्लस 1 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 0। देन 3y इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया माइनस 9 एंड y इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 3 दैट मीन्स माइनस का 3। ये हो जाएगा फ्रेंड्स y का वैल्यू। इस प्रकार से हमने x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3 फाइंड आउट कर लिया है और इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। कंप्लीट सॉल्यूशन फ्रेंड्स आप देख रहे हैं वीडियो में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये फ्रेंड्स। इस तरह से और भी क्वेश्चंस गिवन है जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस। एंड फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।